बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो आज है जी न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये है जी, मैंने कुछ ऑर्डर किया था अली एक्सप्रेस से, दो तीन चीज़ें ऑर्डर की थी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सी चीज़ है, क्योंकि कोड वगैरह तो मैंने देखा नहीं है। तो लेकिन चलें इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या है। तो चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। वाओ, ओहो, कैमरा हिल गया मेरा। तो ये जी अनबॉक्स हो चुका है और देखते हैं कि अंदर से क्या निकलता है। वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल। मैं इसको देखता हूँ कि ये क्या है। वाओ, ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग। अब ये गाइस आप देख रहे हैं नीचे से, अभी मैं इसको जूम करूंगा तो आपको पता चलेगा। और जब इसको मैं इस अनबॉक्सिंग करूंगा, इसकी पैकिंग उतारूंगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या है। और ये GS150 जो है, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। GS150 जो सुजुकी की वन मोटरसाइकिल है, उसकी जी एसेसरीज हैं, या जितने भी अब बाइक्स हैं यूनिवर्सल के लिए ये यूज़ होता है। तो उसके लिए ये जी मैंने जो वॉच है वो ऑर्डर की थी। तो ये बाइक के हैंडल पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो आपको दिखाऊँगा, फिर इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी आपसे कंप्लीट करूँगा। तो ये साइड पे कर देता हूँ मैं और बाद में दिखाता हूँ कि जी इसकी एसेसरीज़ क्या क्या हैं इसके साथ। तो जी देख लेते हैं हम इसमें से इसकी एसेसरीज़। इतनी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन शॉर्ट्स ही हैं। और ये मैंने यूट्यूब पर व्यू भी किया था कि जी जो है ना, इसकी जो ग्रिप है वो बहुत मज़बूत है। ठीक है, ये सारी है एल्युमिनियम की, ये है क्योंकि इसको ना रस्ट भी नहीं पड़ता, जंग भी नहीं पड़ता। तो ये रस्ट जो है ना, इससे बचने के लिए उन्होंने एल्युमिनियम की जो वॉच है वो दी है। ठीक है, तो देखते हैं जी कि ये कैसे लगनी है, और फिर मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो हमने आज इसकी अनबॉक्सिंग की है, कल मुझे ये मिली थी तो आज इसकी अनबॉक्सिंग की है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि जी मैं आपसे कि इसकी अनबॉक्सिंग करूं, तो ये अनबॉक्सिंग हो गई है। और फिर मैं आज ही चलते हैं और इंस्टॉलेशन की तरफ, और फिर वहां पे देखते हैं कि ये कैसी ब्यूटीफुल लगती है। थोड़ा टाइट रबड़ एक होर ला लो। ये जी दो तीन रबड़ डाले लेकिन देखते हैं हम किस किस तरह से सेट बैठता है। नहीं, इधर भी रख लिए थे, इधर और अगले पास मोटी हो गई है, टाइट हो जाना। मैं कहना टाइट हो गया, तुम कहने हो
रख ली है। नहीं इधर ले पास जड़ी खाली है। नहीं नहीं ये नहीं लेना ही नहीं। इन्हें भी सेट करना पर इन्हें ठीक है। नहीं नहीं आ एनू जो आई है फुल बेच पवे ना हीरा बट रबड़ नहीं आ आईडी आईडी आ वे थोड़ा फर्क आ जड़ा थोड़ा करे ना लूज करके सही है। नहीं वो पूरा बिच बैठे तो फिर या प्लास लै कर ला। हाँ हूँ ठीक है कितने वो गल सुन हो रही है। इसके अंदर जनाब जी एल्फी डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है वैसे। ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੇੜਾ ਕਰ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਜੀ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਅਲਫੀ ਤਾਈ ਉਹਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਟਾਈਮ